मैं उसे हराम दादे मुझे छोड़ दे नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। हमें और किसी बात का दुख नहीं है अंजू। काहे का दुख है? दुख हमें इस बात का है। किस बात का? कि तुम इस उम्र में सधुआ रही हो। देखो कपड़ा चाहे जितना महंगा हो, अच्छा जेब में अगर पैसा नहीं तो बेकार। हाँ। हवेलिया राजमहल चाहे जितना बड़ा हो, उसमें अगर एक औरत नहीं है तो सब बेकार। अच्छा देखो कितन इतना बड़ा राजमहल तुम छोड़कर कुटिया में, तो मैं क्या करूं? यहाँ अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। ये तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरे पता नहीं कितने लोग आते इसे पसंद करते, तुम्हें पसंद ही नहीं है? बिल्कुल कबाड़ हो। अरे भैया फिर कहाँ पसंद होगा? ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ये देख जो तू रूठ के चली जाए, महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। मेरी चाहत तेरा चैन चुराएगी, आए मेरी मेरी चाहत तेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको ना नींद आएगी। मैं तो मर जाऊं नाम तेरा, नाम बदनाम कर जाऊंगा तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा, जब याद में तू एक रोज कर पाएगी। मेरी जान तू तड़पती हुई नजर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी। अरे हराम जादे क्या तेरे घर पे बहन और बेटी नहीं है? बोल। तुम तो एक नई बात बता दी है। और क्या? देखो अंजू सीधी सी बात है। क्या है? इस संसार में अगर हर एक इंसान हर एक को माँ बहन बेटी समझेगा तो कार रड़ुआ सम्मेलन का अध्यक्ष बन के घूमेगा। अरे हराम दादे मत छेड़ पराई लड़की को, मत छेड़ पराई लड़की को, बहुत बड़ा पाप होगा। अच्छा? और एक ना एक दिन तू भी किसी बच्चे का बाप होगा। बहुत बड़ी खुशी होगी। अरे हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे, नीचे वाले से दुआ करेंगे, जितने देवी देवता हैं सबसे दुआ करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान करे कि तेरा कहना सच्चा हो, भगवान करे कि तेरा कहना सच्चा हो और जो मुझे बाप कहे वो तेरा बच्चा हो। अरे जान देना है तो दे दो,
जान देना है तो दे दो वतन के लिए। क्यों जान देते हो एक दुल्हन के लिए? हसीनों की गलियों में मर जाओगे, लोग चंदा नहीं देंगे तुझे कफन के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो ना तो हम है प्रधानमंत्री और ना है मुख्यमंत्री और ना है देश के सिपाही। फिर क्या है? जो मरे इस वतन के लिए और हम जब भी मरेंगे तो एक दुल्हन के लिए। और जब तेरी गलियों में हम मर जाएंगे ना, जब तेरी गलियों में हम मर जाएंगे ना, तो तेरा दुपट्टा होगा मेरे कफन के लिए। कोई शक? देखो अंजू, हमें परेशान मत करो। अगर तुम हमें परेशान करोगी ना, अच्छा तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। हमें परेशान करेगा? अरे हराम जादे, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो क्योंकि तेरे पाप का घड़ा बिल्कुल भर गया है। कहने का मतलब वो घड़ा फूटने वाला है। हाँ, अगर मेरा आदे आ गया ना तो तुझे ऐसी मार मारेगा हराम जादे, अरे रे रे रे। कि किसी को दिखाने लायक नहीं रहेगा। हम हाँ वाकई में कहते हैं, देखो अंजू, दर्द मंदा है क्या करे कोई। अच्छा, दर्द मंदा है क्या करे कोई, अरे दर्द दिल की दवा करे कोई। आग लग जाए ऐसी सूरत को, आग लग जाए ऐसी सूरत को, मर मिटे हम मजा करे कोई। कहते हैं कि छछूंदर के सर पे न भाए चमेली। अरे रे रे रे, छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अरे ये तो कहावत है। हाँ, मगर एक वाकई में कहते हैं कि इस जमाने में कुछ वफा ही नहीं। अच्छा, इस जमाने में कुछ वफा ही नहीं, प्यार करने का कुछ मजा ही नहीं। अरे दर्द दिल का लोग क्या जाने, दर्द दिल का लोग क्या जाने। अच्छा, जिनका यह दिल कभी जला ही नहीं। ओ, तीर बन के तू चलेगा। अच्छा, तीर बन के तू चलेगा, मैं निशा बन जाऊंगी। दर्द बन के तू चलेगा, मैं दवा बन जाऊंगी। अरे तो वही तो चाहते हैं कि आके गले से लग जा मेरी जान। ऐसे लगता है अपनी मर्जी से नहीं गले से लगोगी यार, तो फिर हम जबरदस्ती गले से लगाएंगे। हराम जादे, जबरदस्ती क्या करेगा? हाँ, अब जो करेंगे अब सामने ही करेंगे। अच्छा अंजू, क्या है? अंजू अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। कौन? हाँ, पहचान नहीं पाए और आकर इतने रात से इस हमरे राजमहल में दहाड़ दिए। कौन हो तुम? अरे यार, चोर डाकुओं की औकात कितनी बड़ी, चले जाओ अच्छा होगा, नहीं सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। चक्की वरना गोली चल जाएगी। मतलब? तो आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मतलब तुम मुझे गोली मारोगे? हाँ, गोली मेरे ही राजमहल में तुम मुझे गोली मारोगे? हाँ, तेरे ही महल में तुझे गोली मारूंगा, इसलिए कि तूने इस कुर्सी पर बैठकर कोई इंसाफ नहीं किया। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? दीपू नाम के किसान को जानते हो? हसीराम, सौ नंबर फोन लगा। 112 लगाई। अरे हट साले, साले 71 नंबर मिला देंगे भी तुम्हारा, बैठ साले पीछे हट। ये नहीं नंबर मिला पाएगा। फिर कौन मिलाएगा? तुम ही मिलाओगे नंबर। हम? हाँ, पहले बताओ कि दीपू नाम के किसान को जानते हो कि नहीं? दीपू? हाँ हाँ, हाँ खूब अच्छी तरह जानते हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं। क्या किया था तुमने उसके साथ? क्या किया था? उसने मुझसे बदजबानी की, जो ऐलान हो गया था ऐलान के पहले उसने पैसा मांगा, इससे हमने उसे गोली मार दिया। क्या बुरा किया भाई? अरे जो पूरी जागीर में ऐलान है तो हम क्या करें? और उसके बाद जब उसकी पत्नी
अपने पद की लाश लेने के लिए गई, तब उसके साथ तुमने क्या सलूक किया? हम उसे लाश दे देते, लाश दे देते, उसमें कोई वो नहीं था, मगर उस औरत ने मुझे लात मार दिया, तब मुझे क्रोध आ गया। अब बताइए, तुम्हें कोई लात मार दे तुम्हें क्रोध नहीं आएगा? तुम उसे नहीं मारोगे? हम उसे मारेंगे। तो हमने क्या बुरा किया? तूने मुझे लात मारा है। हाँ, मतलब अभी बता देता हूं, मेरा नाम अजय है। और ज्यादा होशियारी करोगे और भागने की कोशिश करोगे तो जगह कम हो जाएगी। मंत्री संग्राम सिंह महाराज बनने का ख्वाब देख रहे थे। देखिए, ख्वाब नहीं, दिल में हमारे तमन्ना थी। हाँ, तो आज हम तुम्हें तुम्हारा अच्छी तरीके से राज तिलक करेंगे। देखो, हम बताएं, भले अंजू के ले जाओ, मगर हमें यहाँ का महाराज बना दीजिएगा। ठीक है, बना देंगे। बहुत बड़ी तमन्ना है हमें। चले हैं, चिरकुट आ गया। बताओ, हवलिया ने क्या रे? नहीं, हवा भरी है। हवा भरी है तो निकाल देंगे अभी एक मिनट में। का करी बताओ बाबू? कौनो है? क्या कर सकता है तू? अब जाऊं तुम कराओ बाबू। है, चल इधर आओ, तू हंटर उठा के ले आओ। बढ़िया लाई जाए। हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हो? देखिए, हमारी बेइज्जती मत करिएगा, बेइज्जती मत करिएगा। हम यहाँ के महाराज होने वाले हैं। महाराज होने वाले हो? हाँ, हमारी बेइज्जती मत करिएगा। हाँ, तो फिर नौकर पहले तुम्हारी धुलाई करेगा। मतलब साबुन लगा के धुलाई करेगा। तो ठीक है, स्नान करवाएगा। हाँ, स्नान हम भी करवाएंगे। क्यों रे, स्नान करवाएगा कि नहीं? हाँ, चला गया, आ गया। अरे भैया, जान कहो, ले हंटर पकड़। दे तू तो ये का, हम इनका पियलित ले पकड़। फिर लगा साले पांच हंटर। ओ ठाकुर, इधर आओ, इधर आओ, इधर। सार बिना मारे लहुलिया आन है। कहो, खूब हमका टाइम टाइम से खुराक देत रहे है। देखो, हमने तुमसे कहा था ना। हाँ। तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें मंत्री पद पर कर देंगे हम। मंत्री नहीं तो तुम हमका जंत्री बना दे। तीन हंटर मा बरारी गया। अरे कहा बच्ची, कहा गिने रहे कल हंटर मारा? अभी तूने दो ही हंटर तो मारा है। मारेगा तो हम मारी थे, लेकिन हम गिलित नहीं ना। मैं तो गिन नहीं हूँ। हाँ, गिलो तुम बच्ची होगा। चल अभी तीन हंटर और मार। अबे तीन हंटर मार और क्या? अबे तो इनका फुटकर मार धर मारब थोक मा। काहे भैया? साले अंधा होकर के हंटर चला रहा है। हम भैया मारे लागे थे, क्यों का तो हमका कुछ दिखात नहीं ना। चल साले पीछे खड़ा, हट हट। संग्राम सिंह, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, तूने मेरे परिवार को छिन भिन करके छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोबारा ऐसा कतई नहीं करेंगे हम। और सताया तूने मुझे।
भी तुझे सता। तैयार हो जा हराम दादे, तूने मेरे पिताजी को दवा में जहर मिला के गलती डाला है ना। गलती हो गए बिटिया रानी, मुझे माफ कर दो दादे। दोबारा ऐसी गलती ए, ए, ऐसा नहीं। राजकुमार जी, हाँ यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। चलो, इसलिए कि पुलिस आ सकती है। चलो चलो, चलो, चलो। आओ, चलो। दीवान साहब। जी सर। ये गोली और संग्राम सिंह यहाँ? हाँ सर। इसका मतलब यही चल रही थी। दीवान साहब, संग्राम सिंह को गोली लग चुकी है। हाँ सर। मुझे ऐसा लगता है को हराम जादे डाकुओं ने संग्राम सिंह को मौत के घाट उतार दिया है। जी सर। इसलिए इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और चल करके उन हराम जादों का पीछा करो, वो बिहार तक पहुंचने न पाए। इसलिए एड्रेस का पालन करो, उठाओ इनकी लाश। जी सर। और मेरे साथ। जी सरदार। इसलिए कि पुलिस हम लोगों का पीछा कर सकती है। बेगा, मैं कहता हूं तूने खून पर खून किए हैं, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले कर दे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलिए सर। वो जा रहे हैं। वो जा रहा है। राजकुमारी जी। हाँ। ये इंस्पेक्टर का बच्चा हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन मैं तो सोचता हूं कि मेरा दुश्मन खत्म हो गया। क्यों नहीं? मैंने वादा किया था कि जिस दिन संग्राम सिंह मारा जाएगा उस दिन मैं यह बंदूक अपने कंधे से उतार कर खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। आपने सही सोचा है, मगर तुम शायद अपने आप को कानून के हवाले कर दे। दीवान साहब, ले जाओ इस हराम जादे को और जान दो सलाखों के पीछे। हाँ जी। हाँ, क्या बात है अंजू? हाँ सुचित, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तेगा नहीं बल्कि मेरा दोस्त अजय है। हाँ, लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया है अंजू, इसलिए हमने उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला है। ये मेरा फर्ज था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त अजय से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। क्यों नहीं? हम आज ही अपने वकील लतीफ के पास जाकर के और अदालत से अपील करवा करके उसकी जमानत मंजूर करवाते हैं। इसलिए चलो हम अपना
दोस्ती का फर्ज अदा करेंगे। ठीक है साहब, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे। चलो दीवान साहब। जी सर। हाथों साहतकारी खोल दो, इनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, इसलिए ये रहा इनकी रिहाई का कागजात। जी सर। मेरे दोस्त अजय, ये तूने क्या किया मेरे दोस्त? मैंने तुझसे कहा था किस गंदे पैसों को मत अख्तियार करना, लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी आई जो कि आज अपने हाथों में बंदूक उठा करके और इन बिहड़ों का सहारा लिया। बोल मेरे दोस्त, आखिर क्या बात थी? मैं जानता था मेरे दोस्त कि जब भी तू मुझसे मिलेगा तो यही सवाल करेगा, मगर उस सराम जादे संग्राम सिंह ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया मेरे भाई। संग्राम सिंह? उस कमीने ने मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। बाबूजी को? मेरी माँ को गोली मार दिया। ये तू क्या कह रहा है? महाराज को जहर देकर और इस राज का राजा बनना चाहता था। संग्राम सिंह, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सका मेरे भाई, इसलिए मुझे अपने हाथों में बंदूक उठाना पड़ा। लेकिन मेरे दोस्त, अब तू इस गंदे पैसों को छोड़ करके एक इंसानियत की जिंदगी व्यतीत कर मेरे दोस्त। इस गंदे पैसे में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। आज वादा कर और मां भवानी की कसम खा कि मैं इस गंदे पैसे को छोड़ करके अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। यह तो मैं बंदूक उठाने के पहले ही कह चुका था कि जिस दिन मेरा दुश्मन मारा जाएगा उस दिन से खुद को कानून के हवाले हो जाऊंगा। मेरे दोस्त, मैंने तुझसे वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, और आज भी इस वादे को हम भूले नहीं मेरे दोस्त। इसलिए चिंता मत कर, हम अदालत से अपील करवा करके और तुझे कम से कम सजा दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन इस वक्त हम लोग ड्यूटी पर हैं, तुम दीवान साहब, मेरे दोस्त का हाथ इनके अंजू प्रेमका के हाथ में दे दो, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं?